पाश्चात्य काव्य सिद्धांत के अंतर्गत आज हम टीएस इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर करेंगे। सबसे पहले हमको उत्तर में लिखना होता है प्रस्तावना, इसके बाद हमें लिखना होता है और उसके बाद हम लिखेंगे जो अन्य बिंदु हैं उसके काव्यगत भाव और व्यक्तिगत भाव सर्वथा भिन्न है। इसके बाद कलात्मक दबाव इसका अगला बिंदु होगा। फिर कवि केवल माध्यम है, कविता के तीन स्वर, निर्वैयक्तिकता और साधारणीकरण। इसके बाद उपसंहार। तो यह तो यदि यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है टीएस इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत अथवा अवधारणा का विश्लेषण या विवेचन कीजिए, तब इन बिंदुओं के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा परंपरा सिद्धांत या टीएस इलियट के परंपरा की अवधारणा या परंपरा की अवधारणा कहीं आगे का हिस्सा है। तो यह प्रश्न प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो वास्तव में जो टीएस इलियट के निर्वैयक्तिकता का जो सिद्धांत है या भारतीय काव्य शास्त्र में जो साधारणीकरण का जो सिद्धांत है, लगभग उसी से मिलता जुलता सिद्धांत है। आगे हम अब इसका अध्ययन करेंगे। जब भी परीक्षा में आप उत्तर लिखते हैं, चाहे समालोचना का प्रश्न हो या फिर किसी कवि या लेखक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, तो आपको उस कवि अथवा लेखक अथवा आलोचक अथवा समालोचक के जीवन के संबंध में जरूर उनकी जीवनी के बारे में कुछ लिखना होता है और उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं या उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनकी अवधारणाएं हैं, सिद्धांत हैं, उनकी जो प्रमुख स्थापनाएं हैं, अप्रोच है, उनके बारे में आपको अवश्य लिखना चाहिए। जो प्रस्तावना देखते हैं, आधुनिक काल के पाश्चात्य समीक्षकों में टीएस इलियट, 18 इनका जीवन काल है 1888 से 1965, इनका नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म सेंट लुई अमेरिका में हुआ किंतु शिक्षा पेरिस और लंदन में हुई, बाद में वे लंदन में बस गए। वे 20वीं सदी के महान कवियों और आलोचकों में गिने जाते हैं। उन्हें 1948 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मतलब पाश्चात्य समीक्षा जगत में टीएस इलियट अत्यंत ही महत्वपूर्ण और विद्वान व्यक्ति हैं और 1948 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इलियट की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इस पर मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया हुआ है और आप जाकर वहां पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जिसमें साहित्य की आधारभूत एवं मौलिक समस्याओं पर प्रभावी ढंग से विचार किया गया है। इनकी जो रचना ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और वैयक्तिक प्रतिभा अथवा परंपरा अथवा वैयक्तिक प्रज्ञा, तो इस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें साहित्य के संबंध में आधारभूत चर्चा की गई है। आलोचना के क्षेत्र में उनके अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण आलोचक हैं, इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, पोएट्री एंड ड्रामा, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्स, द फ्रंटायर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ये इनके प्रमुख निबंध हैं और इनकी बहुत सारी किताबें हैं। टीएस इलियट 20वीं सदी के महत्वपूर्ण अंग्रेजी कवि और आलोचक हैं। वे अंग्रेजी कविता के महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। इलियट अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी कवि और आलोचक वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज की काव्य संबंधी स्थापनाओं के विरुद्ध अर्थात स्वच्छंदतावादी विरोधी स्थापनाओं के लिए जाने जाते हैं। वास्तव में टीएस इलियट की जो स्थापना है, जो अप्रोच है, इनके जो सिद्धांत हैं, इनकी जो अवधारणा है, यह स्वच्छंदतावाद के विरोध में है। स्वच्छंदतावाद क्या होता है? रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद के विरोध में ये अपना सिद्धांत लेकर आए थे। स्वच्छंदतावाद में क्या होता था? कवि की व्यक्तिगत अनुभूतियों को अधिक महत्व दिया जा रहा था। मतलब कवि के व्यक्तित्व को और कवि की जो निजी अनुभूतियां हैं उन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था। मतलब वो आत्म केंद्रित जैसी कविता थी। इसके विरुद्ध तो इसके जो प्रमुख आलोचक कौन थे? वर्ड्सवर्थ, टीएस कॉलरिज इसके प्रमुख आलोचक थे या प्रमुख कवि थे। तो इलियट ने
इनके विरुद्ध अपना नया सिद्धांत लेकर आए, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इलियट ने अंग्रेजी कविता एवं आलोचना में आधुनिकता का पथ प्रदर्शन किया। अंग्रेजी आलोचना की स्थापनाओं के विरुद्ध नई मान्यताएं प्रस्तुत की। मतलब अंग्रेजी आलोचना में जो पुराने अप्रोच थे, जो पुरानी अवधारणाएं थी, जो पुराने सिद्धांत थे, इसके विरुद्ध ये नवीन सिद्धांत लेकर आए, आधुनिक सिद्धांत लेकर आए। इसके अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी के महान रचनाकारों शेक्सपियर, मिल्टन तथा बेन जॉनसन आदि का पुनर्मूल्यांकन किया। इनका इन्होंने पुनर्मूल्यांकन किया, पुनः समीक्षा की। शेक्सपियर, मिल्टन, बेन जॉनसन आदि जो महान कवि और लेखक हुए हैं, इनकी इन्होंने दोबारा क्या किया, पुनर्मूल्यांकन किया, दोबारा इनकी आलोचना की, इनका महत्व का प्रतिपादन किया। टी एस इलियट ने आलोचना के कुछ सिद्धांत निर्मित किए। इनके जो प्रमुख अप्रोच हैं, प्रमुख अवधारणाएं हैं, प्रमुख सिद्धांत हैं या फिर स्थापनाएं हैं, ये कौन कौन से हैं? परंपरा की अवधारणा अथवा परंपरा सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध अथवा वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, जैसे सिद्धांत इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। परीक्षा में प्रायः ये तीनों ही सिद्धांत पूछे जाते हैं। और परंपरा की अवधारणा और सिद्धांत पर मैं आप जो मेरे पिछला वीडियो है उसको जाकर आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आज हम अध्ययन करेंगे निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत का। टी एस इलियट ने परंपरा की परिकल्पना को इतना अधिक महत्व दिया कि उनके कई महत्वपूर्ण साहित्यिक सिद्धांत या मत इसी पर निर्भर हैं। मतलब टी एस इलियट ने जो परंपरा की अवधारणा प्रस्तुत की, परंपरा का जो सिद्धांत दिया, उसी से संबंधित उन्होंने अन्य अवधारणाएं भी दी। मतलब उनका वह सिद्धांत इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना महत्वपूर्ण हुआ कि उसी पर आधारित उन्होंने कई अन्य अवधारणाएं भी प्रस्तुत की। यदि साहित्य में परंपरा को स्थान दिया जाए तो साहित्य में आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव तत्व अर्थात कवि का व्यक्तित्व उपेक्षित हो जाता है और साहित्य का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव स्वरूप ही प्रमुख ठहरता है। मतलब यदि हम साहित्य में परंपरा को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं तो जो रचना है, जो कलाकृति है, वह अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और कवि का जो व्यक्तित्व है वह गौड़ हो जाती है। मतलब आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव मतलब होता है आत्मनिष्ठ, अपने बारे में वर्णन करना, अपनी निजी अनुभूतियों को कविता या लेख में प्रदर्शित करना, उसको अभिव्यक्त करना। तो यहां पर आत्मनिष्ठ मतलब था सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव जो तत्व था वह स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषता है। आत्मनिष्ठता या अपने बारे में लिखना या सब्जेक्टिव होना स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म की प्रमुख विशेषता थी। लेकिन टी एस इलियट ने किसको महत्व दिया? वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव स्वरूप को। मतलब जो कंटेंट है, जो पाठ्य सामग्री है, जो कविता है, जो लेख है, जो नाटक है, इसको इन्होंने अधिक महत्वपूर्ण दिया और अर्थात इन्होंने परंपरा को अधिक महत्व दिया। टी एस इलियट ने 19वीं शताब्दी के स्वच्छंदतावादी साहित्य में जो आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव साहित्य की वकालत की गई थी, परंपरा सिद्धांत के द्वारा उसके प्रति विद्रोह व्यक्त किया और वस्तुनिष्ठ साहित्य ऑब्जेक्टिव साहित्य को सर्वोपरि स्थान दिया। मतलब जो स्वच्छंदतावादी जो कवि और आलोचक थे वे आत्मनिष्ठ मतलब अपनी निजी अनुभूतियों का वर्णन करना, अपने स्वयं के व्यक्तित्व को अपनी कविता या नाटक या लेख में परिलक्षित करना, प्रतिपादित करना, यह करते थे स्वच्छंदतावादी। तो इसका इन्होंने विरोध किया, विद्रोह किया इसके प्रति, और इन्होंने परंपरा को अधिक महत्व प्रदान किया और इन्होंने आत्मनिष्ठ के स्थान पर किसको महत्व दिया? सब्जेक्टिव के स्थान पर ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठता मतलब कृति की महत्व को प्रतिपादित किया, कवि के बजाय उसकी कविता के महत्व को प्रतिपादित किया, इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव। इलियट ने काव्य को निर्वैयक्तिक घोषित किया, इम्पर्सनल घोषित किया। निर्वैयक्तिक से तात्पर्य है किसी कविता को पढ़ते समय हम सिर्फ कभी कविता के बारे में ही सोचें, कविता की ही आलोचना करें और उस कवि के विषय में बिल्कुल भी ना सोचें। मतलब कवि का व्यक्तित्व कविता पर हावी नहीं होता है, कविता अलग हो जाती है कवि से। निर्वैयक्तिक का तात्पर्य है वैयक्तिकता का अभाव। मतलब हमको कवि का व्यक्तित्व कविता में परिलक्षित नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं वैयक्तिकता का अभाव। प्रायः यह समझा जाता है कि कवि अपने व्यक्तिगत भावों एवं अनुभूतियों को काव्य में व्यक्त करता है, किंतु इलियट ने इसका खंडन किया। उसके विचार से काव्य में कवि के व्यक्तिगत जीवन का भाव रहता ही नहीं है। मतलब स्वच्छंदतावाद में यह समझा जाता था कवि अपने बारे में ही लिखेगा, अपने व्यक्तित्व को ही अपनी कविता में, अपने लेख के माध्यम से उसको परिलक्षित करेगा, प्रतिपादित करेगा, है ना, अपनी निजी अनुभूतियों को अपने काव्य में व्यक्त करेगा।
लेकिन टीएस इलियट का मानना था कि किसी भी कविता में किसी कवि का व्यक्तिगत जीवन का भाव नहीं रहता, उसका व्यक्तित्व कविता में दिखाई नहीं देता, यह उनका कहना है। टीएस इलियट का यह सिद्धांत भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण की प्रक्रिया को समेटे है, जिसमें नाटककार और अभिनेता के कौशल से व्यक्तिगत भाव सर्वसाधारण के भाव में बदल जाते हैं। तो टीएस इलियट का यह सिद्धांत कुछ इसी तरह का सिद्धांत है जैसे जब हम कोई नाटक देखते हैं या फिर हम कोई फिल्म देखते हैं, है ना। तो जो अभिनेता है, तो अभिनेता यदि कोई दुख का भाव है उसके मन में, तो उसके दुख का भाव हम सभी महसूस करते हैं, है ना। और यदि वह खुश है तो उसकी खुशी को पूरे दर्शक महसूस करते हैं। यदि हैप्पी एंडिंग है, खुशी वाली है, कॉमेडी है, तो हम उसको एंजॉय करते हैं, और त्रासदी है तो हम उसको देखकर दुखी होते हैं। मतलब नाटककार और अभिनेता इतनी कुशलता के साथ, जो अभिनेता है वह इतनी कुशलता के साथ उसको अभिनय करता है उसका, कि हमको उसके जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उसको हम भी महसूस करते हैं, वो हमारी भावनाएं हो जाती हैं। टीएस इलियट एजरा पाउंड के विचारों से भी प्रभावित थे। मतलब साधारणीकरण का तात्पर्य क्या होता है कि जो दुख या सुख की जो भावना जो अभिनेता में हम देखते हैं, वह दर्शकों के मन में भी वही भाव पैदा हो जाते हैं। अथवा कवि या लेखक ने जो लिखा है उसके लेख को पढ़ते समय उसके जो दुख या सुख के जो भाव हैं वो हमारे मन में भी उत्पन्न हो जाते हैं। टीएस इलियट एजरा पाउंड के विचारों से भी प्रभावित थे, जो यह मानते थे कि कवि को वैज्ञानिक के समान इम्पर्सनल या निर्वैयक्तिक होना चाहिए। जैसे वैज्ञानिक क्या होता है, वैज्ञानिक किसी चीज का आविष्कार करता है तो उसमें उसका व्यक्तित्व तो हावी नहीं रहता। जैसे हम सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करते हैं, हमको उस वैज्ञानिक के बारे में पता नहीं होता कि इसका आविष्कार किसने किया है, हमको सिर्फ उस उत्पाद से मतलब होता है। वैसे ही कवि को भी वैज्ञानिक के समान इम्पर्सनल होना चाहिए। जैसे हमको पता नहीं कि टीवी किसने बनाया, मोबाइल पहली बार किसने बनाया, कंप्यूटर किसने बनाया, लेकिन हम उसका प्रयोग करते हैं तो हम सिर्फ उत्पाद से मतलब रखते हैं। इलियट का यह सिद्धांत परंपरा के सिद्धांत के आगे की कड़ी है, उसी का विकास है, परंपरा के सिद्धांत के आगे की कड़ी है, जिसमें उन्होंने व्यक्तिक प्रतिभा के स्थान पर, इंडिविजुअल टैलेंट के स्थान पर ट्रेडिशन को अधिक महत्व दिया था। तो यह उसके आगे की कड़ी है, उसी का विकास है, उसकी इस स्थापना को जिसमें कहा गया कि कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति ना होकर व्यक्तित्व से पलायन है, इसे हम निम्न उपशीर्षकों में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब उनका जो महत्वपूर्ण सेंटेंस है इसको आपको लिखना ही है, परीक्षा में लिखना है आपको। टीएस इलियट ने क्या कहा है, कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है। मतलब कविता में कवि अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता, बल्कि कविता को पढ़ते समय हमको ऐसा लगना चाहिए कि कवि है ही नहीं, और कविता पता नहीं किसने लिखी है, अपने आप लिखी गई है। मतलब यह कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति ना होकर व्यक्तित्व से पलायन है। जैसे आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हम उस कहानी के हिस्सा बन गए हैं, या फिर जीवंत चलचित्र की भांति उसको महसूस करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि मुंशी प्रेमचंद ही उसके नैरेटर हैं, मुंशी प्रेमचंद कहानी हमको सुना रहे हैं। तो यह होना चाहिए। वैसे ही जब हम किसी फिल्म को देखते हैं, जैसे एमएस धोनी के ऊपर एक फिल्म आई थी और स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत ने उस पर अभिनय किया था, तो उन्होंने इतने अच्छे से अभिनय किया कि हमको लग रहा था कि वही धोनी है। तो यह है, तब हम इस सिद्धांत का अध्ययन निम्न उपशीर्षकों से व्यक्त कर सकते हैं। इसके आधार पर हम अध्ययन करेंगे कि कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति ना होकर व्यक्तित्व से पलायन है, व्यक्तित्व से दूर जाना है। काव्यगत भाव और व्यक्तिगत भाव सर्वथा भिन्न है। आगे हम इस पर पढ़ेंगे कि काव्यगत भाव मतलब काव्य में जिस भाव को प्रतिपादित किया है, जिस भाव को अभिव्यक्त किया गया है, वह कवि के व्यक्तिगत भाव से पूरी तरह भिन्न होते हैं। कलात्मक दबाव मतलब किन परिस्थितियों में, किस प्रेशर में आकर कोई कवि अपनी रचना करता है। कवि केवल माध्यम है। जैसे प्लेटो ने भी कहा है कि जब कवि कोई कविता लिखता है तो वह सम्मोहन की अवस्था में होता है। मतलब कोई जादुई शक्ति आती है, कोई ईश्वरीय शक्ति आती है, और वह सम्मोहन की अवस्था में रहकर कविता लिखता है। कुछ इसी प्रकार की बात है। और कविता के तीन स्वर, कविता के तीन प्रकार के कैटेगरीज हैं, तीन प्रकार के स्वर कौन कौन से हैं, इसके आधार पर हम इस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। काव्यगत भाव और व्यक्तिगत भाव सर्वथा भिन्न है। काव्यगत भाव मतलब काव्य में अभिव्यक्त या कविता में अभिव्यक्त भाव, और व्यक्तिगत भाव मतलब कवि की निजी अनुभूतियां, ये दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं? टीएस इलियट ने लिखा है कि सच्ची आलोचना का लक्ष्य
कवि नहीं बल्कि काव्य। टीएस इलियट का यह मानना है कि जो सच्ची आलोचना है ना, ट्रू क्रिटिसिज्म है, जो सच्ची आलोचना है उसका विषय या लक्ष्य क्या होना चाहिए, कवि नहीं होना चाहिए बल्कि उसकी कविता होनी चाहिए। काव्य और कवि का व्यक्तित्व दोनों भिन्न है। काव्य अलग चीज है, कवि अलग चीज है। काव्य का व्यक्तित्व अलग है, कवि का व्यक्तित्व अलग है। काव्यगत भाव और व्यक्तिगत भाव एक नहीं हो सकते। कविता में अभिव्यक्त भाव और कवि के स्वयं की अनुभूतियां दोनों ही अलग अलग चीज है। इसे स्पष्ट करने के लिए इलियट एक उदाहरण देते हैं। यदि एक ऐसे स्थान में जहां ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों मौजूद हों, वहां एक प्लेटिनम का तार रख दिया जाए तो रासायनिक क्रिया होने लगती है। फलतः इस क्रिया से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है, पर प्लेटिनम का तार अपनी पूर्व अवस्था में ही बना रहता है, बिल्कुल तटस्थ, निष्क्रिय तथा अपरिवर्तित बना रहता है। प्लेटिनम के तार पर दोनों गैसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कवि का मन प्लेटिनम का तार है। रचना करते समय प्लेटिनम के तार की तरह कवि का मन निष्क्रिय तथा तटस्थ रहता है। जैसा रसायन विज्ञान में हम पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए क्या करना होता है, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड को एक चेंबर में बंद कर दिया जाता है और वहां पर उत्प्रेरक के रूप में, मतलब रासायनिक क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, तेज करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में हम प्लेटिनम के तार का प्रयोग करते हैं। तो प्लेटिनम के तार की मौजूदगी में ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में तो बदल जाते हैं, लेकिन प्लेटिनम के तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह वैसा ही बना रहता है जैसा वह पहले था। इसी तरह कवि का मन होना चाहिए, मतलब कविता करते समय कवि का मन भी निष्क्रिय और तटस्थ रहना चाहिए, उसी तरह प्लेटिनम के तार की तरह। काव्य सृजन की प्रक्रिया में कवि का व्यक्तित्व सर्वथा निष्क्रिय होता है, उसी प्लेटिनम के तार की तरह। कवि की अनुभूतियां काव्य में व्यक्त हो जाती हैं, किंतु उसे उसका पता नहीं चलता। जैसे प्लेटो का भी यह मानना था कि कोई देवी शक्ति जिसको उन्होंने म्यूज कहा है, म्यूज कविता की देवी, जिसे हम माँ सरस्वती कहते हैं हिंदुस्तान में, भारत में, तो कवि की अनुभूतियां काव्य में व्यक्त हो जाती हैं, किंतु उसे उसका पता नहीं चलता, क्योंकि कवि सम्मोहन की अवस्था में रहता है, हिप्नोटाइज रहता है। ऐसी स्थिति में कविता निजी या व्यक्तिगत भावों का प्रकाशन ना होकर उससे पलायन है। मतलब जब कवि इस स्थिति में काव्य रचना करता है तो उसका व्यक्तित्व उस कविता में अभिव्यक्त नहीं होता है, बल्कि वह अपने वास्तविक व्यक्तित्व से दूर चला जाता है, व्यक्तिगत भाव से दूर चला जाता है। यही काव्य में निर्वैयक्तिकता की सिद्धि है, इससे ही निर्वैयक्तिकता सिद्ध होता है। काव्य में कवि की निजी भाव की अभिव्यक्ति नहीं होती। टीएस इलियट के विचार से यदि कोई कवि अपनी कविता में अपने सुख या दुख दर्द की अभिव्यक्ति करता है तो वह काव्य में महान उद्देश्य से गिर जाता है। मतलब टीएस इलियट का यह मानना है, यदि कवि अपने स्वयं के जीवन के सुख और दुख को अपनी कविता में अभिव्यक्त करता है तो वह कभी किसी महान कविता की रचना नहीं कर सकता, वह काव्य में महान उद्देश्य से गिर जाता है, मतलब कोई महान लक्ष्य, महान उद्देश्य की सिद्धि नहीं कर पाता। इलियट का यह स्पष्ट मत है कि काव्य में व्यक्त भाव निर्वैयक्तिक अर्थात इम्पर्सनल होते हैं। मतलब काव्य में जो व्यक्त भाव होते हैं वे कवि के भाव नहीं होते हैं बल्कि इम्पर्सनल होते हैं, किसी व्यक्ति से संबंध नहीं रखते। और कवि रचना के प्रति जब तक अपने को समर्पित नहीं करता तब तक वह निर्वैयक्तिक हो ही नहीं सकता। मतलब कवि काव्य की रचना करते समय अपने व्यक्तित्व को अलग रख दे, अपने व्यक्तित्व से दूर चला जाए और सिर्फ उस कविता के प्रति समर्पित हो जाए, तभी वह एक अच्छी कविता की रचना कर सकता है। इलियट का विचार है कि कवि कविता लिखता नहीं, वरन कविता स्वयं कवि के माध्यम से प्रकट होती है, प्रकट हो जाती। मतलब कोई कवि यह नहीं कह सकता कि मैं कविता लिखता हूं, वास्तव में जो कविता है स्वतः अपने आप लिखी जाती है। कोई ईश्वरीय शक्ति है, दैवी चमत्कार है जो अपने आप कवि को माध्यम बनाकर कविता लिखवा लेती है। यह विचार प्लेटो से प्रभावित था। निष्कर्ष यह है कि काव्यगत भाव और कवि का व्यक्तिगत भाव दोनों अलग अलग हैं। तो वास्तव में टीएस इलियट का यह मानना था कि कवि की निजी अनुभूतियां और कविता में व्यक्त अनुभूतियां या फिर भाव दोनों ही पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। यही निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है। दूसरा, कलात्मक दबाव, आर्टिस्टिक प्रेशर। दूसरी बात इन्होंने जो महत्वपूर्ण कही वह यह है, टीएस इलियट काव्य और कला में आत्मविनाशीकरण सिद्धांत की स्थापना करते हैं। अभी आत्मविनाशीकरण सिद्धांत क्या है, मतलब अपनी आत्मा का विनाश करना नहीं है बल्कि
अपनी वैयक्तिक अनुभूतियों, अपनी निजी अनुभूतियों को अलग रखना है, मतलब स्वयं को समर्पित कर देना है कविता के प्रति। यहाँ पे अपनी आत्मा का विनाश नहीं है। वे काव्य रचना में कवि के व्यक्तित्व को कोई महत्व नहीं देते, मतलब कवि का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसकी कविता महत्वपूर्ण है। किंतु कवि के व्यक्तित्व के अभाव में काव्य रचना कैसे संभव है? परंतु क्या कवि को उसके जो वास्तविक व्यक्तित्व है उससे अलग किया जा सकता है? तो बिना कवि के व्यक्तित्व के अभाव में काव्य रचना कैसी होगी? इस प्रश्न का उत्तर इलियट इस प्रकार से देते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि काव्य सृजन में कवि के व्यक्तित्व का कोई हाथ नहीं रहता, किंतु कवि के मन में जो अनगिनत भाव, अनुभूतियां, बिंब, प्रतीक आदि होते हैं, वे कलात्मक दबाव या आर्टिस्टिक प्रेशर के कारण काव्य रचना के रूप में ढल जाते हैं। मतलब कवि के अवचेतन मन में है ना, जो बहुत सारी जो भावनाएं होती हैं, जो अनुभूतियां होती हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, बिंब मतलब इमेज, किसी चीज को देखकर उसके मन में कोई चित्र, कोई इमेज बनता है, या फिर जो प्रतीक होते हैं, ये आर्टिस्टिक प्रेशर के कारण, मतलब कलात्मक दबाव के कारण उसमें मन में एक भावना पैदा होती है कि नहीं, मुझे कुछ लिखना है, मुझे कुछ रचना करनी है, कोई चित्र बनाना है, कुछ कविता लिखनी है, तो इसके कारण वह काव्य के रूप में ढल जाता है। मतलब उसकी जो अनुभूतियां हैं वो उसको प्रेशराइज करती हैं, उसके अंदर जो कला है उसको प्रेशराइज करती है कि तुम लिखो, कुछ करो, तो वह करता है। अतः काव्य रचना की प्रक्रिया में कलात्मक दबाव का महत्व है, ना कि कवि की अनुभूतियों और संवेदनाओं का। किंतु यह कलात्मक दबाव क्या है, इसका कोई उत्तर इलियट नहीं देते। इलियट स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते कि यह कलात्मक दबाव है क्या चीज, यह आर्टिस्टिक प्रेशर क्या चीज है जिसके दबाव में आकर कोई कवि कविता को लिखता है। तात्पर्य यह है कि कवि के मन में अनगिनत भाव भरे होते हैं, जब तक ये भाव व्यक्त नहीं हो जाते तब तक वे वहीं बने रहते हैं। मतलब किसी भी कवि के हृदय में, उसके मन में बहुत सारी भावनाएं होती हैं, और जब तक वह उनको व्यक्त नहीं कर देता तो वह दबाव महसूस करते रहता है, भरा भरा दबाव महसूस करते रहता है। जैसे कोई व्यक्ति है बहुत दुखी है, या कोई महिला बहुत दुखी है, जब तक वो रो नहीं लेगी तब तक उसके मन के मन हल्का नहीं होता है, वैसे ही है। काव्य रचना के समय वे सभी भाव अपने वास्तविक रूप को छोड़कर नए रूप में व्यक्त हो जाते हैं। तो जब वो काव्य की रचना करता है तो जो वास्तविक भाव है वो परिवर्तित होकर काव्य में परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं नए रूप में। वे सभी भाव कलात्मक दबाव के कारण घुल मिलकर एक हो जाते हैं और रचना में नए रूप में व्यक्त हो जाते हैं। अब उसके कवि के मन में बहुत सारी भावनाएं होती हैं, दुख है, सुख है, खुशी है, निराशा है, आशा है, यह सब घुल मिलकर एक हो जाते हैं और एक नया तत्व तैयार होता है, एक नया मिश्रण तैयार होता है, एक नई रचना बन जाती है। और क्या होता है, जैसे चटनी में कोई टमाटर की चटनी बना रहे हैं, चटनी में नमक, मिर्च, टमाटर, धनिया आदि न जाने कितनी सारी चीजों को हम डालते हैं, किंतु चटनी का स्वाद यदि कोई पूछेगा तो न तो वह मिर्च जैसा होता है, न वह टमाटर जैसा होता है ना। मतलब बहुत सारे हम इंग्रेडिएंट उसमें डालते हैं, बहुत सारे तत्व डालते हैं, लेकिन वास्तव में जब हमको उसका मिश्रण मिलता है वह एक अलग ही चीज होती है, जो और उसका स्वाद उन सबसे अलग होता है जो हमने उसमें डाला हुआ है। इसी प्रकार कविता में भाव, विचार, बिंब, बिंब मतलब होता है इमेज या चित्र आदि, सब कवि के वैयक्तिक होते हैं या निजी होते हैं, किंतु जब एक कविता के रूप में परिणत हो जाते हैं, परिणत होना मतलब परिवर्तित होना, तो वे कवि के व्यक्तिगत भाव नहीं रहते, वे भाव कवि की ना होकर सर्वसाधारण के भाव हो जाते हैं। मतलब कवि के मन में जो भावनाएं होती हैं उसके आधार पर वह कविता तो लिख देता है, उसकी निजी अनुभूतियों के आधार पर, जो भी उसके मन में जो भावनाएं हैं उसके आधार पर वह कविता लिख देता है, काव्य का सृजन कर देता है। लेकिन बाद में वह क्या हो जाता है, वे भाव या वे अनुभूतियां कवि की निजी अनुभूतियां ना होकर सर्वसाधारण की अनुभूतियां हो जाती हैं, और इसे ही हम हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण कहते हैं। कि मतलब जब कवि की अनुभूतियां सर्वसाधारण की अनुभूतियां बन जाती है, तब यही क्या है, हिंदी भारतीय काव्य शास्त्र में इसे साधारणीकरण कहा जाता है। कवि उन भावों के भार से मुक्त हो जाता है, कवि अपने निजी जीवन से बहुत दूर चला जाता है, और जब कवि काव्य में अभिव्यक्ति प्रदान कर देता है अपनी भावनाओं को, तो उसके मन में जो बोझ बना हुआ था, जो भावनाएं भार बन गई थी उसके दिल में, उसके मन में, वह उनसे मुक्त हो जाता है। लेकिन इस प्रक्रम में क्या होता है, कवि अपने जो वैयक्तिक जो वह है, उसका निजी जो व्यक्तित्व है, उससे वह बहुत दूर चला जाता है। टीएस इलियट ने लिखा है कि कविता के माध्यम से हम भावों की अभिव्यक्ति नहीं करते,
अपितु उनसे मुक्ति प्राप्त करते हैं या उनसे पलायन करते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि कविता के माध्यम से कोई कवि सिर्फ भावों की अभिव्यक्ति नहीं करता, बल्कि क्या करता है, वह उन भावों से मुक्ति प्राप्त करता है। उसके हृदय में, उसके मन में जो भावनाएं भरी हुई थी अभी तक, उसको उसने उड़ेल दिया अपनी कविता में और वह उनसे मुक्त हो गया, भारविहीन हो गया, अर्थात वह उनसे पलायन कर लिया, उससे दूर चला गया, अपने व्यक्तित्व से दूर चला गया। भाव ही नहीं, कविता के माध्यम से कवि अपने व्यक्तिगत जीवन की सीमाओं से भी मुक्त हो जाता है। मतलब भावनाएं ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन के जो उसकी जो निजी अनुभूतियां हैं, जो उसका व्यक्तित्व है, उसके निजी जीवन की जो समस्याएं हैं, दुख है, सुख है, राग है, द्वेष है, इनसे भी मुक्त हो जाता है। उसका स्वर एक व्यक्ति का स्वर न रहकर विश्व मानव का सार्वजनीन स्वर बन जाता है। विश्व मानव मतलब अब उसकी रचना वैश्विक हो जाती है, पूरी दुनिया में, मतलब उसका ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, भूमंडलीकरण हो जाता है, और उसके जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, उसके व्यक्तिगत भावनाएं न रहकर वह सर्वसाधारण की भावनाएं बन जाती है, जो सार्वजनीन मतलब सभी लोगों से संबंध रखती है। और कवि का जो स्वर होता है वह आम जनता का स्वर बन जाता है। मतलब कवि की जो आवाज होती है वह सर्वसाधारण की आवाज बन जाती है। कवि की जो अनुभूति होती है, जो भावनाएं होती है, वे इसकी निजी अनुभूतियां न रखकर सर्वसाधारण की अनुभूतियां बन जाती है, और इसे भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण कहा जाता है। तीसरा, कवि केवल माध्यम है। मतलब किसी भी कलाकृति के लिए माध्यम की तो आवश्यकता पड़ेगी। जैसे सिनेमा है, वह निर्देशक का माध्यम है, वैसे ही टीएस इलियट कवि एक कवि केवल माध्यम है। मतलब कविता लिखने के लिए कवि का काम क्या है, सिर्फ एक माध्यम का काम है। टीएस इलियट ने लिखा है कि कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता, वरन वह विशिष्ट माध्यम पर होता है। मतलब कवि कविता में अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता, बल्कि वह कविता लिखने का केवल एक माध्यम होता है। तात्पर्य यह है कि कवि अपनी कला में अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन नहीं करता, वह उसे पलायन करता है। मतलब कवि क्या करता है, कवि में कोई भी कवि अपनी कविता में अपने व्यक्तित्व को परिलक्षित नहीं करता, अपने व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित नहीं करता, बल्कि वह उससे दूर हो जाता है, दूर चला जाता है। अतः कवि एक प्रकार का माध्यम या मीडियम मात्र है, जिसके द्वारा काव्यगत अनुभूतियों, भावों का मिलन और गठन होता है। जो महान कलाकार होंगे वे अपनी रचना में व्यक्तित्व का प्रत्याग करेंगे। मतलब जो महान कलाकार हैं उनकी रचनाओं को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको कवि की उपस्थिति का पता ही नहीं चलता, क्योंकि कला अपने व्यक्तिगत भावों का प्रकाशन नहीं, वरन उससे दूर जाना है। तो जो जो स्वच्छंदतावादी जो कवि थे, जो रोमांटिक कवि थे, जो रोमांटिक क्रिटिक थे, वे अपनी निजी अनुभूतियों को, व्यक्तिगत भावों को ही अपनी कविताओं में प्रतिबिंबित कर रहे थे, परिलक्षित कर रहे थे। तो इसके विरोध में क्या टी एस इलियट का क्या कहना है कि कला क्या है, अपने व्यक्तिगत भावों से दूर जाने का माध्यम है, है ना। कविता के माध्यम से कोई कवि अपने व्यक्तिगत भावों, निजी अनुभूतियों, अपने व्यक्तित्व से दूर जाता है, उन्हें प्रकाशित नहीं करता, अपने व्यक्तित्व को प्रकाशित नहीं करता। सारांश यह है कि इलियट ने कवि को एक स्वचालित यंत्र, ऑटोमेटिक मशीन, और काव्य रचना को अचेत अवस्था की उपज माना है। मतलब जैसे प्लेटो ने माना था, वैसे टीएस इलियट का यह मानना है कि कविता लिखते समय या किसी कोई रचना करते समय जो कवि होता है वह सम्मोहन की अवस्था में होता है, और उसी सम्मोहन की अवस्था में ऑटोमेटिकली वह कविता लिखना शुरू कर देता है। तो यह अचेत अवस्था की उपज है, उसे पता भी नहीं चलता उसने कब कविता लिखी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ऐसा माना है, उन्होंने लिखा है कि जब तक ऊपरी ढक्कन फूट न जाए हम यह नहीं जान पाते कि उसके भीतर किस प्रकार का अंडा है। मतलब जब तक कवि अपनी कविता को पूरा नहीं कर लेता, उसे स्वयं भी पता नहीं चलता कि उसने किस प्रकार की रचना लिखी है, कि बहुत ही अच्छी रचना बन पड़ी है कि कैसी है। बाद में उसको पढ़ेगा तो पता चलेगा कि पता नहीं कैसे मैंने यह रचना कर ली। तात्पर्य यह है कि कवि कविता लिखता नहीं, कविता स्वयं कवि के मस्तिष्क से फूट पड़ती है। कवि मात्र माध्यम है, कविता पूरी हो जाने पर कवि को एक असह्य भार से एकाएक मुक्ति मिल जाती है। मतलब उसके मन में जो दुख है, सुख है, राग द्वेष, राग विराग, जो भी उसके मन में जो भी भावनाएं हैं, जो उनका बोझ है, उनसे वह मुक्त हो जाता है, और कविता कवि के द्वारा स्वाभाविक रूप से लिखी जाती है। उसके लिए उसे कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कविता उसके कलम से स्वाभाविक रूप से निकलती है। इसी प्रसंग में इलियट ने यह भी कहा है कि कवि के मन में स्थित भावों का महत्व नहीं है, वरन कला प्रक्रिया अर्थात कलात्मक दबाव की तीव्रता महत्वपूर्ण है।
जिसके कारण मिश्रण तैयार होता है। एजरा पाउंड और ह्यूम ने भी ऐसा कहा है। एजरा पाउंड और ह्यूम नाम के जो वैज्ञानिक जो दार्शनिक विद्वान हुए हैं उनका भी यही मानना है कि जो कलात्मक दबाव जो प्रेशर बनता है उसके मन में कि मुझे कविता लिखनी है यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब इन्होंने एक भाषण दिया था कविता के तीन स्वर। कविता के तीन स्वर सन 1953 के अपने काव्य के तीन स्वर नामक भाषण में इलियट ने कहा कि काव्य के तीन स्वर होते हैं, है ना। यहाँ तीन स्वर को तीन कैटेगरी कह सकते हैं आप, तीन श्रेणियां होती है काव्य की। पहला प्रथम स्वर वह है जिसमें कवि दूसरों से नहीं अपने से स्वयं से बात करता है। प्रथम स्वर क्या होता है? कवि कवि स्वयं से बात करता है खुद से। इस प्रकार के स्वर में कवि का मुख्य प्रमुख लक्ष्य समर्पण होता है, मतलब वह समर्पित कर देता है कविता के प्रति अपने आप को, अर्थात दूसरों तक अपना भाव या विचार पहुंचाना नहीं रहता। ऐसी रचनाएं लिखित या प्रगीत काव्य है जिसमें कवि का ध्यान इस बात पर नहीं होता कि लोग उसे कभी कभी उसे सुनेंगे या नहीं। वह एक ऐसे भार से व्यथित रहता है जिसे काव्य में व्यक्त करके छुटकारा पाना चाहता है। जब रचना पूरी हो जाती है तो वह इस रचना से कहता है कि जाओ किसी पुस्तक में अपना स्थान प्राप्त करो, तुम में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। इस प्रकार की कविताओं के लिए ही इलियट ने कहा है कि कविता लिखी नहीं जाती है, स्वयं अवतरित हो जाती है। ऐसी दशा में कवि केवल माध्यम है, मतलब कवि के मन में जो भावनाओं का दबाव होता है, उसके मन में जो फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो अनुभूतियां होती है, जो दुख और सुख होता है, तो वह उनके भार से दब कर इतना व्यथित हो जाता है कि स्वाभाविक रूप से वह कविता लिखना शुरू कर देता है। और उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि इस कविता को कोई सुनेगा, इस कविता को कोई पढ़ेगा, बल्कि वह स्वयं अपने मन में जो बहुत सारी भावनाएं हैं उनको दूर करने के लिए, उनके भार से मुक्त होने के लिए वह कविता लिखना शुरू कर देता है। और जब उसकी रचना समाप्त हो जाती है तो वह कहता है कि जाओ तुम किसी किताब में अपना स्थान बना लो, अब तुम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा बोझ हल्का हो गया है, मेरा दिल हल्का हो गया है। मतलब वह कवि सम्मोहन की अवस्था में होता है और इसी सम्मोहन की अवस्था में ही वह काव्य की रचना करता है, है ना। इसीलिए ऐसी दशा में कवि केवल एक माध्यम का काम करता है क्योंकि वह सम्मोहन की दशा में होता है। इस प्रकार की कविताओं के लिए इलियट कहते हैं कि कविता को लिखने के लिए किसी विशेष प्रयास की जरूरत नहीं होती है, बल्कि कविता तो स्वयं ही लिखी जाती है। मतलब कवि एक ऐसी स्थिति में रहता है कि उसे कविता लिखना ही पड़ता है और उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उसे कोई पढ़ेगा या उसे कोई सुनेगा। ऐसी दशा में कवि केवल एक माध्यम का काम करता है। दूसरा स्वर वह है, दूसरी कैटेगरी वह होती है जिसमें वह श्रोताओं से बात करता है। इसमें प्रबंध काव्य जिसे महाकाव्य भी कहते हैं, कथा काव्य, नीति काव्य, व्यंग्य काव्य रखी जाती है। महाकाव्य में भी यही स्वर होता है। मतलब कुछ कविताएं ऐसी होती है जिसमें वह श्रोताओं से बात करता है, जैसे जो कबीरदास जी है, कबीरदास जी पूरे समाज को संदेश देते हैं, तो ऐसी कविताएं भी होती है। वैसे जैसे निराला जी की कविताएं हैं, जागो फिर एक बार, है ना, क्रांति की, क्रांति का जो गीत है बादल राग है, अरे कुकुर मुत्ता है, अबे सुन बे गुलाब गर पाई खुशबू रंगो आप, तो यह व्यंग कविता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है जो कवि होता है, वह दूसरों से बात करने के लिए कविता लिखता है। यह दूसरा स्वर है, महाकाव्य में भी यही होता है। तीसरा स्वर वह है जिसमें कवि नाटककार पात्रों या चरित्रों के माध्यम से बात करता है। पहले कैटेगरी में वह खुद से बात करता है, दूसरी में वह श्रोताओं से बात करता है, और एक तीसरी कैटेगरी में होती है जिसमें कवि या नाटककार अपने पात्रों के या चरित्रों के माध्यम से बात करता है। जैसे जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं उनके जो नाटक है उनको आप पढ़ेंगे तो वह पात्रों के माध्यम से हमारे इतिहास बोध को जन्म देते हैं। नाटक की विधा इसके अंतर्गत आती है, तीसरा माध्यम। तीसरे माध्यम में कोई कवि या नाटककार अपने पात्रों या चरित्रों के माध्यम से बात करता है, अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया है कि दूसरे और तीसरे स्वर की कविता स्वतः अवतरित नहीं होती, मतलब ये अपने आप नहीं लिखी जाती, इसके लिए कवि को प्रयास करना होता है। इसमें कवि पूर्ण सजग रहता है, सम्मोहन की अवस्था में नहीं रहता, हिप्नोटाइज नहीं रहता, पूर्णतः सजग रहता है। इसमें वह व्यक्तित्व से पलायन नहीं करता। तो जो दूसरा और तीसरे स्वर है इसमें वह व्यक्तित्व से पलायन नहीं करता, बल्कि कवि का व्यक्तित्व ही यहाँ पर हमको प्रतिबिंबित दिखाई देता है, प्रतिबिंबित होता है, परिलक्षित होता है। टीएस इलियट का मत है कि श्रेष्ठ काव्यों में उक्त तीनों स्वरों की विशेषताएं समाई रहती है। अब श्रेष्ठ काव्य की कौन सा काव्य श्रेष्ठ कहा जाएगा, तो टीएस इलियट के हिसाब से वह काव्य श्रेष्ठ कहा जाएगा जिसमें ये तीनों ही विशेषताएं दिखाई देती हैं, तीनों स्वर मिलते हैं। नाटकीय कविता में तो तीनों स्वर सुने जा सकते हैं,
जैसे अंधा युग है, अंधा युग को हम काव्य नाटक या गीति नाट्य कहते हैं, तो उस कविता में हम ये तीनों ही बात हम सुन सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात काव्य के जितने भी प्रकार हैं उनमें नाटक विशेष सुंदर होता है। मतलब नाटक को भी काव्य कहा गया है भारतीय काव्य शास्त्र में, तो काव्य के जितने भी रूप होते होंगे उनमें जो नाटक है वो सबसे सुंदर होता है, क्योंकि उसमें ये तीनों ही स्वर दिखाई देते हैं। जैसे धर्म भारती का अंधा युग है, काव्य नाटक या गीति नाटक उसे कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि महान काव्य सदैव निर्वैयक्तिक होता है, इम्पर्सनल होता है, जिसमें कवि के व्यक्तिगत अनुभव विचार भाव विस्तृत होकर निर्वैयक्तिकता में ही पूर्णता प्राप्त करते हैं। मतलब इससे इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि कवि के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, जो निजी भाव हैं या विचार हैं, जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, वो उसके निजी न रहकर सर्वसाधारण के भाव, उनके जो सुख और दुख उसमें जाकर मिल जाते हैं, सर्वसाधारण की अनुभूतियां बन जाती हैं उसकी निजी अनुभूतियां। मतलब उसका व्यक्तित्व तो उससे दूर हो जाता है। मतलब पढ़ने वाले को यह लगता है कि यह मेरी अनुभूतियों को इन्होंने स्वर दिया है, मेरे ही बारे में इन्होंने लिखा है, मेरी भावनाओं को इन्होंने लिखा है। तो जब ऐसा महसूस होने लगा लगेगा पाठक या श्रोता को, तो इसका तात्पर्य है कि उसका साधारणीकरण हो गया और जो कवि का व्यक्तित्व है वह निर्वैयक्तिक हो गया। कवि का व्यक्तित्व का यहां पर कोई असर नहीं है। अब निर्वैयक्तिकता और साधारणीकरण, भारतीय काव्य शास्त्र में जो साधारणीकरण का सिद्धांत है, मतलब जैसे किसी हम नाटक को देखते हैं तो नाटक में जो अभिनेता है उसके जीवन में कोई दुख है, बहुत दुखी है, तो उसके दुख को हम भी वैसा ही महसूस करते हैं। जैसे वात्सल्य है, जैसे हम कोई नाटक देख रहे हैं, कृष्ण लीला देख रहे हैं, तो माँ यशोदा का जो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्यार है, जो वात्सल्य है, तो उसको भी हम भगवान कृष्ण के प्रति हमारे मन में भी वात्सल्य का जो जन्म हो जाता है, वात्सल्य की भावना पैदा हो जाती है, यही साधारणीकरण है। तो इलियट की उपर्युक्त अवधारणाओं की रैंसम, कुछ और विद्वान हुए हैं पाश्चात्य विद्वान, इलियट की उपर्युक्त अवधारणाओं की रैंसम, एलन टेट आदि समीक्षकों ने आलोचना की है, वह इनसे सहमत नहीं हुए। उनके मत को उनके अनेक समकालीन विद्वान न तो समझ सके और न स्वीकार कर सके। वह समझ ही नहीं पाए कि वास्तव में टी एस इलियट क्या कहना चाह रहे हैं, कि व्यक्तित्व से अलग होकर कोई कविता कैसे लिखी जाएगी। कुछ लोगों ने उनके मत को असंगत, असंगत मतलब जिसमें हारमोनी नहीं है, सामंजस्य नहीं है, जो हो ही नहीं सकता, और हास्यास्पद पाया। हास्यास्पद मतलब हंसने योग्य, हंसी के पात्र बन गए। किंतु इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को वही समझ सकता है जिसने भारतीय आचार्य भट्ट नायक के साधारणीकरण एवं अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद का अध्ययन किया हो। मतलब इलियट का सिद्धांत जो है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, उसको सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने भारतीय जो विद्वान है या भारतीय काव्य शास्त्र के जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, आचार्य भट्ट नायक का साधारणीकरण का सिद्धांत और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद के सिद्धांत का अध्ययन किया हो। वास्तव में भारतीय रस सिद्धांत के अंतर्गत जो स्थिति साधारणीकरण की है वही स्थिति निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की है। तो ये दोनों ही सिद्धांत मिलते जुलते हैं। और हमारे कुछ छात्रों का यह अनुरोध भी आया था कि मैं भारतीय काव्य शास्त्र पर भी वीडियो बनाऊं, तो जैसे ही हमारे यहाँ पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो कुछ महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, जैसे ही ये खत्म होंगे तो हम भारतीय रस सिद्धांत पर भी, जो भारतीय काव्य शास्त्र पर भी मेरे लेक्चर्स आएंगे। लेकिन मुझे आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग सिर्फ देख कर चले जाते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो एक बार मैं पुनः आप सबसे अनुरोध करता हूँ, यदि मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग अधिक संख्या में मुझसे जुड़ेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा जो व्याख्यान है, मेरे लेक्चर है, बहुत लोगों तक पहुंच रहे हैं और वो इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आगे मैं भारतीय काव्य शास्त्र पर भी मेरे व्याख्यान आएंगे। साधारणीकरण में कवि के भाव कवि के न रहकर सर्वसाधारण के भावों में परिणत हो जाते हैं, इसलिए कवि का प्रेम विरह हर्ष या विषाद हास्य या रुदन, सर्वसाधारण के प्रेम या विरह हर्ष या विषाद हास्य या रुदन, रुदन मतलब रोना, में परिणत हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। यदि हम इलियट की शब्दावली में कहें तो कवि के भाव निर्वैयक्तिक हो जाते हैं। मतलब साधारणीकरण में भी यही कहा गया है कि कवि के मन में जो भाव है, प्रेम है, विरह है, हर्ष है, विषाद है, दुख है, खुशी है, सुख है, रोना है, तो कवि की ये जो भावनाएं हैं वह सर्वसाधारण की भावनाओं में बदल जाते हैं, परिणत हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं साधारणीकरण, और इलियट के शब्दों में हम इसे कहते हैं निर्वैयक्तिकता।
वास्तव में मेरे वीडियोस आप लोगों को मतलब थोड़ा धीरे धीरे आपको इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत सी सारी किताबों को पढ़ता हूँ और बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। और वास्तव में ये जो मैं पावर पॉइंट बनाता हूँ इसको बनाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। और ये जो मेरा लेक्चर है इसका नोट्स, इसका PDF आपको जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर भी आकर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो नोट्स बनाने में मुझे इतना वक्त लग जाता है कि फिर मेरे एपिसोड थोड़े लेट में आते हैं, लेकिन यह निरंतर जारी रहेगा। उपसंहार, प्रबंध में हम देखते हैं उपसंहार। सारांश, द इलियड के अनुसार रचना के लिए कवि का होना आवश्यक है, रचना में नहीं। मतलब कवि की रचना हमारे लिए महत्वपूर्ण है लेकिन कवि का व्यक्तित्व कविता में दिखाई नहीं देना चाहिए, यह उनका कहना है। उनके अनुसार कविता का भाव निर्वैयक्तिक होता है और कवि इस निर्वैयक्तिकता तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वह करणीय कर्म मतलब किए जाने योग्य कार्य मतलब कविता की रचना के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं कर देता। मतलब कोई कवि तभी निर्वैयक्तिक हो सकता है, अपने व्यक्तित्व को कविता से अलग रख सकता है, वह तभी रख सकता है जब वह कविता के लिए पूरी तरह से समर्पित होता है। मतलब उसको खुद का ध्यान नहीं रहता और उसका व्यक्तित्व उसकी कविता पर हावी नहीं होता, उसका व्यक्तित्व उससे दूर चला जाता है और वह कविता के लिए पूरी तरह समर्पित होकर कविता लिखता है। तो यह है, उन्होंने अपने निबंध संग्रह सेक्रेड वुड में लिखा है कि जब हम कविता पर विचार करते हैं तब हमें उसे प्रमुखता कविता के रूप में ही देखना चाहिए, किसी और रूप में ही नहीं। तो इनके जो निबंध संग्रह है सेक्रेड वुड, इसमें इन्होंने कहा है कि जब हम किसी कविता का अध्ययन करते हैं या आलोचना करते हैं तब हमको अपने आप को सिर्फ कविता तक ही सीमित रखना चाहिए और हमको उसके कवि की समीक्षा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ कविता की ही समीक्षा करनी चाहिए। इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में केवल कवि के लिए नहीं आलोचक से भी इसी निर्वैयक्तिकता की अपेक्षा की गई है। कवि में जो निर्वैयक्तिकता सृजन के लिए आवश्यक है वही आलोचक में आस्वाद और विश्लेषण के लिए भी आवश्यक है। तो जिस तरह कवि के लिए निर्वैयक्तिकता की वकालत करते हैं कि उनका व्यक्तित्व पलायन कर जाना चाहिए, दूर चला जाना चाहिए, वैसे ही आलोचक को किसी कृति की आलोचना करते समय आलोचक को भी निर्वैयक्तिक होना चाहिए। उनको अपने व्यक्तित्व को आलोचना करते समय अपने व्यक्तित्व को परे रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए, तभी वह उसी किसी कविता का आस्वाद कर पाएगा, उसका स्वाद ले पाएगा और उसकी समीक्षा कर पाएगा। इलियट ने लिखा है कि कला स्वाद, मतलब कला की खूबसूरती को महसूस करने के लिए, उसका रस का स्वाद लेने के लिए यह आवश्यक है या अनिवार्य है कि कलाओं का अनुशीलन मतलब चिंतन या मनन, कला के संबंध में जो चिंतन या मनन करते हैं वह करते समय व्यक्ति सब कुछ का यहां तक कि अपने वंश वृक्ष का भी परित्याग करके इस कार्य में प्रवृत्त हो। मतलब कोई आलोचक जब किसी कृति की समीक्षा करता है या समालोचना करता है तब उसको अपनी पृष्ठभूमि, अपना बैकग्राउंड उससे भी दूर होना चाहिए, अपनी पृष्ठभूमि को भी छोड़ दे, अपने व्यक्तित्व को भी छोड़ दे, तभी वह सही तरह से समीक्षा कर पाएगा। किंतु कोई भी बुद्धिजीवी आलोचक यह स्वीकार न करेगा कि काव्यगत भाव और जीवनगत भाव सर्वथा पृथक है और काव्य तथा कवि के व्यक्तित्व का कोई संबंध नहीं है। जितने भी विद्वान आलोचक हैं निश्चित रूप से वे यह स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब इस सिद्धांत की आलोचना हो रही है, टीएस इलियट की जो सिद्धांत है उसकी आलोचना की जा रही है यहाँ पर, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्वान इस बात से सहमत नहीं होगा कि कवि की अनुभूतियां अलग होंगी निजी अनुभूतियां और काव्य में व्यक्त अनुभूतियां अलग होंगी। मतलब कोई कवि जब कविता लिखता है तो उसका व्यक्तित्व तो वहां पर प्रतिबिंबित हो ही किसी न किसी रूप में, उसकी निजी अनुभूतियां, निजी फीलिंग्स वहां पर तो दिखाई देंगे ही। स्टीफन स्पेंडर नाम के विद्वान हुए हैं, इनका कहना है इलियट के इस कथन में कि काव्य भावों की अभिव्यक्ति नहीं वरन उसका उत्सर्गन उत्सर्ग है, त्यागना है, वस्तुतः विरोधाभास है। मतलब इलियट यह कहते हैं कि काव्य में भावों की अभिव्यक्ति नहीं होती बल्कि काव्य में भावनाओं को छोड़ा जाता है, त्याग कर दिया जाता है। मतलब कवि अपनी भावनाओं को त्याग करता है, अपनी भावनाओं का उत्सर्ग करता है, उनका त्याग करता है। तो इसमें तो विरोधाभास है, अपनी भावनाओं को त्याग करता है लेकिन भावनाओं को त्याग कहां पर करता है, कविता में करता है, अपनी भावनाओं को छोड़ जाता है, छोड़ देता है, अपनी भावनाओं के भार से वो मुक्त हो जाता है। तो मुक्त होता है तो भावनाएं कहां जाती हैं, वो कविता में जाती है। तो इसमें विरोधाभास है। स्पेंडर का दृष्टिकोण यह है कि कवि का यथार्थ व्यक्तित्व उन भावनाओं से परे है जो क्षण में बनती है और क्षण में मिटती है। मतलब स्पेंडर का कहना यह है कि जो कवि का जो व्यक्तित्व है वह उन भावनाओं से दूर है, अलग है, जो क्षण में बनती है क्षण में मिटती।
किसी भी कवि या लेखक का एक खुद का व्यक्तित्व होता है, और यह उन सब चीजों से अलग होता है कि थोड़ी देर में हम खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर में दुखी हो जाते हैं, हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं आती हैं। भावनाएं तो हम सबके मन में आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा एक निश्चित और स्थायी व्यक्तित्व भी होता है। इलियट का निर्वैयक्तिक वाला दृष्टिकोण समय के साथ स्वतः शिथिल हो जाता है। बाद में इलियट ने स्वयं अपने इस जो निर्वैयक्तिकता वाले सिद्धांत हैं इसके विरोध में इन्होंने कुछ कहा था बाद में, तो इनका जो सिद्धांत है समय के साथ यह शिथिल हो गया, मतलब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया। वे धीरे धीरे रचना में व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार करने लगे। बाद में उन्होंने स्वयं अपने सिद्धांत के विरोध में चले गए स्वयं ही वे, और बाद में उन्होंने व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार किया। तो पहले तो उन्होंने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दे दिया, लेकिन बाद में उनको लगा कि मुझसे कुछ गलती हो गई है। आलोचना में भी उन्होंने क्रमशः व्यक्तित्व का महत्व स्वीकार किया, बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि कविता में और आलोचना में कवि या आलोचक के व्यक्तित्व का महत्व है, महत्वपूर्ण स्थान है। द यूज ऑफ पोएट्री, तो द यूज ऑफ पोएट्री में उन्होंने महसूस किया, तो इनकी एक और कृति आई थी, द यूज ऑफ पोएट्री में उन्होंने यह महसूस किया कि अपने व्यक्तित्व का अतिक्रमण ना तो कवि के लिए असंभव है और ना आलोचक के लिए। पता है निश्चित रूप से इन्होंने जो एक नई एक किताब लिखी द यूज ऑफ पोएट्री, तो उसमें उन्होंने उनको यह महसूस हुआ कि किसी भी कविता की रचना करते समय या आलोचना करते समय कोई कवि अपने निजी व्यक्तित्व से दूर नहीं जा सकता, अपने व्यक्तित्व को कोई अलग थोड़ी कर सकता है अपने शरीर से, अपने मन से। वस्तुतः इलियट की आपत्ति रचना में निपट व्यक्ति के व्यक्ति से है, व्यक्तित्व के वे उसी सीमा तक समर्थक थे जहां तक वह निर्वैयक्तिक के ग्रहण और अभिव्यक्ति में प्रयत्नशील हो। इसका कहने का मतलब यह है कि अब व्यक्तित्व का प्रकाशन करना है तो ऐसा नहीं कि पूरा आप निजी अनुभूतियों को ही आपने उड़ेल दिया, आप आलोचना कर रहे हैं तो पूरी तरह अपने आपका व्यक्तित्व आप ये आलोचना में हावी हो गया, या कविता आप लिख रहे हैं तो पूरा आपने निजी अनुभूतियां निजी व्यक्तित्व ही कविता में हावी हो गई, तो वे उसी सीमा तक उसका समर्थन करते हैं जब तक कि वह कविता अथवा आलोचना में कवि अथवा आलोचक का व्यक्तित्व हावी नहीं हो जाता। हिंदी आलोचना में डॉक्टर नगेंद्र का टी एस इलियट का काव्यगत अव्यक्तिवाद, इनकी एक लेख है, इनका एक इनकी एक किताब है टी एस इलियट का काव्यगत अव्यक्तिवाद, यह लेख है जो उनकी पुस्तक विचार और विवेचन में प्रकाशित है। इन्होंने टी एस इलियट के ऊपर लिखा है, उनकी आलोचना की है। इलियट के कला सिद्धांत पर अच्छा आलोचनात्मक प्रकाश डालता है, तो इलियट के जो कला सिद्धांत है जितनी भी अवधारणाएं हैं उन पर इन्होंने प्रकाश डाला है, रोशनी डाली है, उसकी आलोचना की है टी एस इलियट का काव्यगत अव्यक्तिवाद। अब डॉक्टर नगेंद्र का क्या कहना है, डॉक्टर नगेंद्र इलियट के इस मत से तो सहमत है कि आधुनिक आलोचना में जो कवि के व्यक्तित्व को महत्व दिया जा रहा है ना कि कलाकृतियों को, वो अनिष्ट करें। तो डॉक्टर नगेंद्र टी एस इलियट इस बात में सहमत है कि वर्तमान में जो आलोचना है, जो समकालीन आलोचना है, उसमें कवि को ज्यादा महत्व दे दिया जा रहा है, उसकी रचना को कम महत्व दिया जा रहा है, मतलब कवि के व्यक्तित्व को अधिक महत्व दिया जा रहा है और उसकी कविता को उसके काव्य को कम महत्व दिया जा रहा है, तो यह अनिष्टकर है, यह हानिकारक है। किंतु वे इसे मानने के लिए तत्पर या तैयार नहीं है कि कलाकृति और रचयिता का व्यक्तित्व सर्वथा स्वतंत्र वस्तु है। तो आधे हिस्से को तो उन्होंने मान लिया, लेकिन उनका कहना यह है कि यह बिल्कुल मानने के लिए वह तैयार नहीं है कि कोई भी कलाकृति में किसी भी कलाकार या फिर रचनाकार या फिर कवि का व्यक्तित्व थोड़ा बहुत भी परिलक्षित ना हो और दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब यदि कोई कविता कवि कविता लिखता है, यदि कोई नाटककार नाटक लिखता है, या कोई आलोचना जो आलोचक है वे आलोचना करते हैं, तो उनका व्यक्तित्व अनिवार्य रूप से उनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, प्रतिबिंबित होता है। तो ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों अलग अलग स्वतंत्र वस्तुएं नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ इनका चोली दामन का संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं। अंत में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि टी एस इलियट जिसे कलात्मक दबाव अथवा कला सृजन की प्रेरणा कहते हैं, वह कलाकार के व्यक्तित्व से कोई पृथक वस्तु नहीं हो सकता। मतलब टी एस इलियट जिसे कलात्मक दबाव कहते हैं कि दबाव में आकर उसके मन में जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं उसमें जो इतना प्रेशर बना देते हैं कि उसे कविता लिखना पड़ता है या कला या काव्य का सृजन करना पड़ता है, जो कि कलाकार के व्यक्तित्व से अलग होता है ना, जो कलात्मक दबाव के कारण वह कविता लिखता है उसका व्यक्तित्व की कोई भूमिका नहीं होती, इसे डॉक्टर नगेंद्र स्वीकार नहीं कहते। और उनका कहना है कि जो कलात्मक दबाव है या सृजन की जो प्रेरणा होती है, और उससे कवि या कलाकार का व्यक्तित्व अलग नहीं होता, बल्कि दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपने इस अवधारणा को भलीभांति समझ लिया होगा।
टीएस इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत को। और यदि आप आज का मेरा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।